अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम बनाएंगे चना दाल वड़ा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 300 ग्राम जो है चने की दाल को जो है भिगो के रख दिया था 6 घंटे के लिए। फिर उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से धो लिया, वॉश करने के बाद में इसको मैंने छान लिया, ठीक है। अब इसमें 2 इंच का टुकड़ा जाएगा अदरक, और मैंने 1 लहसुन की जो गड्डी होती है वो पूरी ली हुई है वो इसमें जाएगी। थोड़ा सा कड़ी पत्ता जाएगा, मतलब कि 20 से 25 कड़ी पत्ता जाएगा इसके अंदर। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून सौंफ, और 1 टीस्पून ही यहाँ पर जाएगा इसके अजवाइन। अजवाइन जो है टेस्ट में भी अच्छा लगता है, और ये जो चने की दाल है उससे कभी गैस ट्रबल वगैरह रहेगा तो वो भी सही हो जाता है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा इसके अंदर। धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगी 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए 2 टेबलस्पून। और यहाँ पर जाएगा हरा धनिया, और पिंच ऑफ हींग जाएंगी। हींग भी अगेन, ये चने की दाल है तो थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से इसमें चुटकी भर हींग जाएगी। हींग डालने से जो गैस का प्रॉब्लम रहता है वो नहीं होता है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको पीसने के लिए चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास में मिक्सी जार है तो उसमें भी आप पीस सकते हो, लेकिन आपने पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर चॉपर लिया है। अगर आप मिक्सी जार लेते हो ना, तो आपने क्या करना है, एक मुट्ठी जो है ये चना दाल जो है आपने निकाल के रख लेना है, और उसके बाद में आपने मिक्सी जार में बाकी की जो दालें हैं उसको आपने अच्छे से पीस कर लेना है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे ये चॉपर में, अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ और अजवाइन। इसके साथ में हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, और इसके साथ ही में हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, और इसके साथ में डाल देंगे हम अदरक लहसुन का, ये जो बारीक बारीक हमने लहसुन को चॉप किया है वो हम डाल देंगे, सॉरी अदरक को चॉप किया है वो डालेंगे। हरा धनिया डाल देंगे, और चुटकी भर ही इसके अंदर हम हींग डाल देंगे, और इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, मतलब भुना कुटा धनिया है, धनिया पाउडर नहीं है, भुना कुटा धनिया है। तो यहाँ पर मैंने धनिया भी अच्छा डाल दिया इसमें, धनिए से जो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। अभी ये देखिए, ये तो धरधरा ही पीसा जाएगा, क्योंकि ये चॉपर में है तो चॉपर में बारीक नहीं पीसा जाता है, धरधरा ही पीसा जाता है, थोड़ा सा जाड़ा मोटा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको पीस कर लेकर आ गई हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको धरधरा सा पीस लेना है। ये देखिए, अब इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लूंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हल्के हाथ से आपने एक बॉल की शेप दे देनी है, हल्के हाथ से। फिर आपने क्या करना है, इसको इसको फ्राई करने की भी एक ट्रिक होती है। तो ये आपको मैं साउथ इंडियन मसाला दाल वड़ी की रेसिपी दे रही हूँ, जो स्ट्रीट पे हमेशा मिलती है साउथ इंडियन में, साउथ इंडिया में। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने हल्के हाथ से ही ये किया है इस तरीके से। अब इसको आपने बनाकर साइड में नहीं रखना है, अगर फिर आप उसको उठाने जाओगे तो वो टूट जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, तेल को गर्म करने के लिए रखना है, और फिर आपने एक वन बाय वन आपने ये टिक्की बनानी है। तो अब इसको मैं फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको फ्राई करने का भी एक तरीका है, ऑयल जो है एकदम गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में अगर आप ये वड़े डालोगे तो वड़े टूट जाएंगे, तो गर्म तेल होना चाहिए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, ये देखिए एकदम गर्म तेल होना चाहिए। ठंडे तेल में डालोगे तो ये जो वड़े है ना वो टूटने के चांस रहते हैं, और ज्यादा वड़े नहीं डालने का, ज्यादा वड़े अगर डालोगे तो तेल जो है ठंडा हो जाएगा तो भी आपके वड़े टूट जाएंगे, तो ज्यादा नहीं डालेंगे हम। और ये जो ऑयल है वो पहले से मैंने रीयूज किया हुआ ऑयल है। यहाँ पर देखिए, 5 से 7 मिनट के बाद में ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। तो अभी इसको मैं निकाल कर ऐसे ही सारे फ्राई कर लूंगी, फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से ये फ्राई हो गए, एक भी टूटे नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि गरम तेल में अगर आप डालोगे तो ये बिल्कुल भी टूटते नहीं है। यहाँ पर देखिए, मसाला दाल वड़ा जो है वो बनकर तैयार है। तो चलिए, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।